हमारी आपसे क्या अपेक्षा है, हम आपसे क्या चाहते हैं। हम आपसे चाहते हैं कि आप इस मीटिंग के बाद 25 तारीख तक आप इस देश को थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। मैं देश बोल रहा हूं, आप बैठे हैं कादीपुर में, लेकिन ये चुनाव कादीपुर का नहीं है मेरे भाई बहन, ये चुनाव पूरे देश का है। शत्रु खड़े हैं वेश बदलकर, बांट बांट कर खाएंगे, पहले ललचाएंगे फिर भारी तकलीफ दिलाएंगे। सभी विपक्षी मिल बैठेंगे, शीश महल बनवाएंगे, पर गरीब का घर बनवाया मोदी ने नहीं बताएंगे। इनका इनको पहचानना है मेरे भैया, कितनी चीज बताऊं मैं, आप सब अच्छी तरह जानते हैं हमारे दिल्ली को कितना तकलीफ दिया है आम आदमी पार्टी की सरकार ने। नाला नाली खड़ंजा ये सब तो टूटा, फ्लड का नाला देख लीजिए, लेकिन याद रखिएगा ये हमारी इसकी चाबी हमारे पास नहीं है। अब हमारी यही समय है, सही समय है का मतलब क्या हुआ कि अब हम लोग मोदी जी को यहां से जो शुरुआत होगी ना, मेरा एक सपना है बुराड़ी को जैसे ग्रेटर नोएडा है वैसे ग्रेटर बुराड़ी बनाना है मेरे भाई। अभी हम मेट्रो लाए हैं, सिग्नेचर ब्रिज बनाए हैं, सेंट्रल स्कूल लाए हैं, एलिवेटेड रोड लाए हैं, हमने अपने यहाँ सिग्नेचर ब्रिज लाए हैं, ये सब किया है हमने। अब अगले 5 साल में हमें अपने लोकसभा, अभी हमने तस्वीर बदली है, आप सब साथ देंगे, अब हम अपने क्षेत्र की तकदीर भी बदलेंगे ताकि लोगों को अपने पे गर्व हो, विकास भी चले और विरासत भी बचे। इसलिए मैं कर्पूरी ठाकुर जी के चित्र पर जब माला पहना रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कह रहे हैं कि मनोज तिवारी तुम्हारे साथ पूरा ओबीसी समाज है, सैन समाज है। मैं आप सबसे इसी प्रार्थना के साथ कहता हूँ, आप थोड़ा सा 10-5 घरों में घूम जाना, किसी का इंतजार मत करो, घर घर में जाना है, सबको समझाना है, दिल्ली सरकार की जो असफलता है उसको उसको बताना है, और नरेंद्र मोदी जी को आगे समय में जब प्रधानमंत्री बना दें तो उनको डबल इंजन भी पकड़ाना है, दोनों चाबी पकड़ानी है, दिल्ली का विकास कराना है।